Hello children, in this video we will do CSS fonts. Okay, so what is the use of font? Fonts are used for the formatting of the text, or you can say for the formatting of web page. Okay, so here we will do different properties of font. Fine, तो यहाँ पे हम different properties करेंगे, like font family, font style, font variant, font size and font width. Okay, अब यहाँ पे जब हम font family यूज करेंगे तो दो वर्ड्स आते हैं, family name and generic family. तो फैमिली नेम क्या होता है? फैमिली नेम होता है कि फॉन्ट किस फैमिली से बिलोंग करता है. फाइन, तो आप यहाँ उसको देखिए, लाइक एरियल फैमिली से बिलोंग करता है, या टाइम्स न्यू रोमन फैमिली से बिलोंग करता है, या ताहोमा फैमिली से बिलोंग करता है, तो ये फैमिली नेम लेंगे. ठीक है, सेकेंड क्या होता है? जेनरिक फैमिली. जेनरिक फैमिली क्या होता है? जेनरिक फैमिली इज अ ग्रुप ऑफ फैमिलीज हैविंग सेम फीचर्स. ठीक है, तो जेनरिक फैमिली क्या होती है? ग्रुप होता है जिसमें वो फैमिलीज को कलेक्ट किया जाता है जिनके फीचर्स क्या हैं, जिनके करेक्टरिस्टिक्स सेम हैं. ओके, लाइक सेंस सेरिफ व्हिच इज द कलेक्शन ऑफ फॉन्ट्स विदाउट फीट. फाइन, जहां पे सेंस, हमने एक एग्जांपल लिया सेंस सेरिफ, जहां पे क्या है, फॉन्ट होते हैं विदाउट फीट. फाइन, तो लेट अस डू इट प्रैक्टिकली. अब इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं. फाइन, सो ओके, हियर वी हैव स्टार्टेड. Doc type HTML, then HTML head. Okay, head में हम देंगे style tag, style. Fine. अब हमने p paragraph की family बना ली, sorry class बनाई है p1. For paragraph हमने paragraph specific class बनाई है p1. यहाँ पे हम क्या देंगे? फॉन्ट फैमिली देंगे, फॉन्ट फैमिली. ओके, फॉन्ट फैमिली मींस नेम ऑफ द फैमिली. ओके, फॉन्ट फैमिली हमने यहाँ पे दिया नेम ऑफ द फॉन्ट फैमिली, कि ये जो फॉन्ट है वो किस फैमिली से बिलोंग करता है. राइट, टाइम्स न्यू रोमन. ओके, अब हमने क्या दिया? नेक्स्ट फॉन्ट दिया है. फाइन, यहाँ पे टाइम्स टाइम्स एंड ये क्या है? जेनरिक फैमिली. ये इसकी सेरिफ क्या है? जेनरिक फैमिली है. ओके ओके, अगर ये हमने दो जो दिए हुए हैं, क्यों दिया है यहाँ पे जो फॉन्ट्स नेम दिए हैं, टाइम्स न्यू रोमन एंड टाइम्स, अगर टाइम्स न्यू रोमन वर्क नहीं करता है तो उसके प्लेस पे टाइम्स वर्क करे. अगर टाइम्स भी सपोर्ट नहीं करता है तो शेरिफ फैमिली का जो भी कोई दूसरा फॉन्ट होगा वो अप्लाई होता है. ठीक है, लाइक दिस. देन पी डॉट पी टू ओके फॉन्ट फैमिली फैमिली हमने दे दिया एरियल. एरियल ओके, देन हेल बेटिका ओके. और ये किस जेनरिक फैमिली से बिलोंग करते हैं? सेंस सेरिफ. Then we have p dot. यहाँ पे हम ये क्या क्रिएट करें, क्लासेस क्रिएट करें, p1 p2 p3. फाइन, फॉन्ट फैमिली यूसीडा कंसोल देन दूसरा नेम हम लेंगे कोरियर न्यू. ये जो एक से ज्यादा हमने नेम्स लिए हैं वो इसलिए लिए हैं कि अगर एक फॉन्ट अप्लाई नहीं होता है तो दूसरा फॉन्ट अप्लाई होता है. ओके, अगर ये दोनों अप्लाई नहीं होते तो मोनोस्पेस फैमिली का, जेनरिक फैमिली का कोई और फॉन्ट क्या हो, अप्लाई होता है उस पर. ठीक है, मोनोस्पेस. ओके, देन स्टाइल क्लोज
हेड क्लोज एंड बॉडी स्टार्टेड। अब बॉडी में क्या करेंगे, हम इसको अप्लाई करेंगे, फॉन्ट्स को अप्लाई करेंगे। यहाँ पे H1 हेडिंग ले लेते हैं हम लोग, CSS फॉन्ट फैमिली H1। ओके, नाउ P क्लास। अब हम क्या करेंगे, इसमें हमने दे दिया क्लास P1, तो जो P1 के अंदर फॉन्ट फैमिली आपने डिस्क्राइब की है वो यहाँ पे क्या हो जाएगी, पैराग्राफ पे अप्लाई हो जाएगी। ओके, दिस इज अ पैराग्राफ शोन इन द टाइम्स टाइम्स न्यू रोमन रोमन फॉन्ट। फाइन, इसको हमने कर दिया पैराग्राफ। ओके, अब हम लेंगे पी क्लास P2। अब P2 को अप्लाई करेंगे। ओके, इसको कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी। ओके, अब यहाँ पे शॉन इन द क्या है, सेकंड में हमने क्या लिया था, एरियल एरियल फॉन्ट एरियल फॉन्ट। टू मैंने बताया टू फॉन्ट्स नेम इसलिए लिए जिससे अगर एक अप्लाई नहीं होता तो दूसरा अप्लाई हो जाएगा, दूसरा अप्लाई नहीं होगा तो जो हमने एंड में जेनरिक फैमिली नेम लिया है उसमें से उस फैमिली का कोई भी फॉन्ट अप्लाई हो जाएगा। फाइन, तो नेक्स्ट हमारा है पी क्लास P3। ओके, यहाँ पे शोन इन द यूसीटा कंसोल फॉन्ट। फाइन, ओके, नाउ अब क्या करेंगे, हम बॉडी को क्लोज कर देंगे, बॉडी क्लोज एंड HTML। ओके, नाउ वी विल सेव इट, कंट्रोल एस, सेव कर देते हैं इसको। फाइल का नेम देते हैं font.html। ओके, font.html फाइल का नेम दे दिया, नाउ वी विल सी। ओके, नाउ दिस इज आवर फाइल फॉन्ट, ओपन विद ब्राउजर, हम इसको ब्राउजर से ओपन कर लेते हैं। फाइन, ओके, अब देखो यहाँ पे फर्स्ट में क्या आया है, हमारा फॉन्ट अप्लाई हुआ है टाइम्स न्यू रोमन, दिस इज क्या है, ये जो फॉन्ट आया है वो क्या है, टाइम्स न्यू रोमन। फाइन, सेकंड में आपका क्या आया है, एरियल फॉन्ट आया है। फाइन, और थर्ड में क्या आया, आपका ल्यूसिडा कंसोल फॉन्ट आया है। ओके, तो आपने क्या किया, यहाँ पे अलग अलग फॉन्ट्स अप्लाई किए हैं अलग अलग पैराग्राफ को। फाइन, ओके, नेक्स्ट वी हैव CSS फॉन्ट स्टाइल। ओके, द फॉन्ट स्टाइल प्रॉपर्टी इज मोस्टली यूज्ड टू स्पेसिफाई इटैलिक टेक्स्ट। तो फॉन्ट स्टाइल प्रॉपर्टी का किस लिए यूज किया जाता है, टेक्स्ट को इटैलिक बनाने के लिए। फाइन, ओके, दिस प्रॉपर्टी हैज थ्री वैल्यू, इस प्रॉपर्टी की तीन वैल्यूज होती है, नॉर्मल इटैलिक एंड ऑब्लिक। ओके, नॉर्मल आपका टेक्स्ट नॉर्मल होगा या फिर इटैलिक होगा या ऑब्लिक होगा। जो ऑब्लिक क्या होता है, उसमें जो टेक्स्ट होता है स्लाइटली क्या होता है, लीनिंग होता है, मतलब थोड़ा सा लेटा हुआ होता है। ओके, ऑब्लिक इज सिमिलर टू इटैलिक बट लेस सपोर्टेड, लेकिन क्या है वो इटैलिक की तरह होता है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस होता है दोनों के बीच में। ठीक है, ओके, सो हियर वी विल डू इट प्रैक्टिकली कि कैसे आप इसको अप्लाई करोगे फॉन्ट स्टाइल। ओके, नाउ डॉक टाइप HTML, फाइन, then head, in head style, तो यहाँ पे हम क्या क्रिएट करते हैं, इंटरनल CSS को क्रिएट करते हैं। ओके, स्टाइल के अंदर हम क्या करते हैं, क्लास बनाते हैं नॉर्मल,
नॉर्मल क्लास, फाइन। उसके अंदर हमने दे दिया फॉन्ट स्टाइल नॉर्मल, नॉर्मल ओके। देन पी डॉट इटैलिक क्लास हमने क्रिएट किए, इटैलिक क्लास किसकी, पैराग्राफ स्पेसिफिक, क्योंकि हमने पी डॉट के आगे लगा दिया पी। फॉन्ट स्टाइल इटैलिक ओके। नेक्स्ट वी हैव पी डॉट ओ बी एल आई क्यू यू ई ऑब्लिक, देन फॉन्ट स्टाइल ऑब्लिक ओके H1 फॉन्ट स्टाइल प्रॉपर्टी, ये हमने यहाँ पे इसके अंदर हेडिंग दे दी। ओके अब हम क्या करेंगे, क्लासेस को यूज करेंगे वन बाय वन। पी क्लास, फर्स्ट हमारी क्लास क्या थी, नॉर्मल, तो हम यहाँ पे नॉर्मल क्लास को यूज कर रहे हैं। तो अगर नॉर्मल को यूज करेंगे तो पैराग्राफ पे क्या अप्लाई होगा, जो भी हमने फॉर्मेटिंग उसमें दी हुई है नॉर्मल के अंदर, ठीक है। तो हमने नॉर्मल में क्या दिया हुआ है, फॉन्ट स्टाइल नॉर्मल, फाइन। यहाँ पे हम लिखते हैं दिस इज पैराग्राफ, दिस इज अ पैराग्राफ इन नॉर्मल स्टाइल, ओके। देन वी विल यूज सेकेंड क्लास, पी क्लास इटैलिक, पी क्लास इटैलिक ओके। इटैलिक में हम क्या लिखेंगे, दिस इज अ पैराग्राफ इन इटैलिक स्टाइल, इटैलिक स्टाइल ओके। देन वी हैव पी क्लास ऑब्लिक, पी क्लास ऑब्लिक ऑब्लिक, फाइन। दिस इज अ पैराग्राफ इन ओ बी ऑब्लिक स्टाइल, ओके। देन बॉडी क्लोज एंड HTML क्लोज, ओके। यहाँ पे हम इसको सेव करेंगे, सेव कर देते हैं इसको, फॉन्ट वन नेम दे देते हैं फॉन्ट वन, क्योंकि फॉन्ट हमारी प्रीवियस फाइल थी वन डॉट HTML, फाइन। नाउ वी विल सी द रिजल्ट, ओके। अभी हमने इसको ये तो क्लोज किया नहीं है ना, हमें क्या करना है, अपना स्टाइल को क्लोज करना है, स्टाइल टैग को क्लोज करेंगे ओके, एंड हेड को क्लोज करेंगे, फाइन, एंड देन बॉडी को स्टार्ट करेंगे, ओके। नाउ दिस इज कंप्लीट, हेड स्टाइल, स्टाइल के अंदर आपने क्या दिया, थ्री क्लासेस नहीं है, नॉर्मल इटैलिक एंड ऑब्लिक, ओके। स्टाइल को क्या कर दिया है, क्लोज कर दिया है, एंड हेड को क्लोज एंड बॉडी स्टार्टेड, फाइन। नाउ इसको क्या कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं, कंट्रोल एफ, फाइन ओके। सो हियर वी हैव आवर फाइल फॉन्ट वन, ओपन विद गूगल क्रोम, इट इज टेकिंग सम टाइम, आ गया, ठीक है। तो देखो जो फर्स्ट है वो क्या है, आपका नॉर्मल है, ठीक है, नॉर्मल आया है, टेक्स्ट नॉर्मल आया है। सेकंड आपका क्या है, इटैलिक है, देखो दिस इज योर इटैलिक टेक्स्ट, एंड और ये जो थर्ड वन है वो क्या है, ऑब्लीग है, फाइन। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट क्या है, नॉर्मल, सेकंड है इटैलिक, एंड थर्ड वन इज ऑब्लीग। सो दिस इज व्हाट, दिस इज फॉन्ट स्टाइल, ओके ओके। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ फॉन्ट इज फॉन्ट वेट।
द प्रॉपर्टी फॉन्ट वेट स्पेसिफाइज द बोल्डनेस और हैवीनेस फॉर अ फॉन्ट. तो ये फॉन्ट वेट से क्या स्पेसिफाई होती है कि जो आपका फॉन्ट है वो कितना बोल्ड है, कितना हैवी है. ओके, अ फॉन्ट कैन बी सेट टू आइदर नॉर्मल और बोल्ड बाय अ प्रॉपर्टी फॉन्ट वेट. तो हम फॉन्ट को नॉर्मल फॉन्ट भी प्रोवाइड कर सकते हैं, उसे बोल्ड भी बना सकते हैं. किसकी हेल्प से? फॉन्ट वेट प्रॉपर्टी की हेल्प से. ओके, एंड फॉन्ट वेट प्रॉपर्टी में हम लोग नंबर्स को भी यूज कर सकते हैं, फ्रॉम 100 to 900. ओके, टू डिस्क्राइब और टू गिव द फॉन्ट वेट. तो इसकी जो वैल्यूज होती है वो क्या हो सकती है? नॉर्मल, बोल्ड, बोल्डर, लाइटर, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 एंड 900. तो ये इसकी क्या पॉसिबल वैल्यूज हैं जो हम क्या कर सकते हैं, फॉन्ट वेट देने के लिए यूज कर सकते हैं. फाइन, तो इसको आप नॉर्मल में दे सकते हो, बोल्ड, बोल्डर या लाइटर में दे सकते हो, या फिर आप नंबर्स में दे सकते हो. नंबर्स कहाँ से कहाँ तक? 100 to 900. ओके, लेकिन कैसे दोगे? 100 to 200 इस वे में दोगे, राइट? ओके, सो लेट अस डू इट प्रैक्टिकली हियर. डॉग टाइप एचटीएमएल. HTML, then we have head. In the head we have style. Style, okay. अब हम क्या करेंगे? क्लास क्रिएट करते हैं नॉर्मल. सबसे पहले नॉर्मल क्लास क्रिएट की हमने, पैराग्राफ स्पेसिफिक क्लास है, ठीक है. इसके अंदर फॉन्ट वेट, फॉन्ट वेट, फॉन्ट वेट हमने दिया नॉर्मल. ओके, देन पी डॉट लाइट, लाइट फाइन, फॉन्ट वेट, वेट आपने दे दिया लाइटर, लाइटर मतलब हल्का, बोल्ड ना हो ज्यादा. ओके, पी डॉट थिक, थिक थिक में आपने दे दिया फॉन्ट, फॉन्ट वेट बोल्ड. ओके, नेक्स्ट आप दे दो पी डॉट थिकर, थिकर फाइन, फॉन्ट, फॉन्ट वेट आपने दे दिया इसका, इसको हम नंबर्स में देते हैं 900. ओके, नाउ स्टाइल क्लोज. ओके, एंड हेड क्लोज, और हेयर वी विल स्टार्ट आर बॉडी. अब हम क्या करेंगे? अपनी बॉडी को स्टार्ट करेंगे. यहाँ पर बॉडी टैग का यूज करेंगे. बॉडी, बॉडी के अंदर हेडिंग दे देते हैं, हेडिंग H1 दी फॉन्ट वेट, वेट प्रॉपर्टी. बेसिकली किस लिए होती है फॉन्ट वेट प्रॉपर्टी? कि आपका फॉन्ट कितना बोल्ड है, ठीक है, इसलिए होती है. ठीक है, ओके, H1. नाउ वी विल यूज द क्लासेस. अब हम क्या करेंगे? क्लास को यूज करेंगे. पी क्लास फर्स्ट हम लेंगे नॉर्मल, नॉर्मल. ओके, नॉर्मल में लेते हैं, सिंपली हम लेते हैं, दिस इज अ पैराग्राफ. फाइन, इसको हमने ले लिया, दिस इज अ पैराग्राफ. कॉपी कर लेते हैं, इसी टेक्स्ट को बार बार हम कॉपी कर देंगे. दिस इज अ पैराग्राफ, कंट्रोल सी. फाइन, नाउ नेक्स्ट क्लास, पी क्लास. अब नेक्स्ट क्लास का यूज करेंगे. पी क्लास, पी क्लास हमारी है LIGST, लाइट, लाइट कंट्रोल V. ओके, पैराग्राफ क्लोज. देन पी क्लास नेक्स्ट है आपकी थिक, थिक दिस इज द पैराग्राफ एंड पैराग्राफ क्लोज. फाइन, देन पी
क्लास थिकर, ओके, पैराग्राफ, देन पैराग्राफ क्लोज, देन वी विल क्लोज बॉडी टैग एंड देन आपका HTML टैग, ओके, लेट अस सेव इट, को सेव कर लेते हैं, फॉन्ट टू कर लेते हैं क्योंकि ऑलरेडी हम दो बना चुके हैं, फॉन्ट टू डॉट HTML, फाइन, तो अब इसका रिजल्ट देखते हैं, ओके, दिस इज आवर फॉन्ट टू, इसको हम ओपन कर लेते हैं, ओपन विद गूगल क्रोम, कोई भी ब्राउजर में आप अपनी फाइल को ओपन कर सकते हैं, ओके, तो फर्स्ट हमारा जो पैराग्राफ है वो क्या है, नॉर्मल है, दिस इज नॉर्मल पैराग्राफ, सेकंड क्या है, लाइट वेट है, जो भी जो पैराग्राफ है उसका वेट क्या है, लाइट है, थर्ड में क्या था, हमने क्या दिया था, थिक, ठीक है, बोल्ड, तो ये हमारा बोल्ड है, फाइन, और जो लास्ट वन है उसमें हमने क्या दिया था, फॉन्ट वेट 900, ओके, तो ये हमारा क्या है, जो फॉन्ट वेट आया वो क्या है, 900 है, ओके, सो इन दिस वे यू कैन अप्लाई फॉन्ट वेट ऑन योर टेक्स्ट और यू कैन से ऑन योर फोन, फाइन, ओके, नेक्स्ट वी हैव फॉन्ट वेरिएंट, ओके, तो फॉन्ट वेरिएंट में जो होता है, फॉन्ट कैन बी डिस्प्लेड इन टू वेरिएंट्स, दो वेरिएंट्स में फॉन्ट को, वेरिएंट्स मीन तरीकों में, तरीके में फॉन्ट को डिस्प्ले किया जा सकता है, नॉर्मल फॉन्ट एंड स्मॉल कैप्स फॉन्ट, फाइन, फॉन्ट वेरिएंट वेरिएंट के अंदर हमारे पास दो क्या है, मेथड्स हैं, नॉर्मल फॉन्ट और स्मॉल कैप्स फॉन्ट, फाइन, नॉर्मल हमें पता है नॉर्मल, एंड स्मॉल कैप्स फॉन्ट क्या होता है, अ स्मॉल कैप्स फॉन्ट इज अ फॉन्ट दैट यूजेस स्मॉलर साइज्ड कैपिटलाइज्ड लेटर्स इन प्लेस ऑफ लोअर केस लेटर्स, स्मॉल कैप्स में क्या होता है, जो लेटर्स होते हैं वो क्या आते हैं, कैपिटल लेटर्स में ही आते हैं, ठीक है, समझ आया, जो फॉन्ट आएगा वो कैपिटल लेटर्स में आएगा, लेकिन जो कैपिटल लेटर्स का साइज होगा वो छोटा होगा, ठीक है, इसको मैं प्रैक्टिकली करके समझाती हूँ आपको, तब आपको समझ आएगा कि कैसे होगा ये, यहाँ पे इसके दो वेरिएंट होते हैं, नॉर्मल एंड कैपिटल, ठीक है, कैपिटल में भी कौन सा, स्मॉल कैपिटल, ओके, सो लेट अस स्टार्ट इट, ओके, हमारा आ गया, आप ले सकते हो डॉक टाइप HTML, डॉक टाइप क्या होता है, डॉक्यूमेंट टाइप, ओके, HTML, देन आपका है हेड, इन हेड वी आर टेकिंग स्टाइल टैग, दिस इज इंटरनल CSS, ओके, स्टाइल के अंदर हम क्या करें, क्लास क्रिएट करें, पी डॉट नॉर्मल, पी डॉट नॉर्मल, इसमें हमने क्या दिया, नॉर्मल क्लास के अंदर हमने दिया फॉन्ट वेरिएंट, फॉन्ट वेरिएंट नॉर्मल, फॉन्ट वेरिएंट नॉर्मल, ठीक है, ओके, नेक्स्ट हमने दिया पी डॉट स्मॉल, जो स्मॉल कैप्स में आएगा, स्मॉल कैप्स में मींस कैपिटल लेटर्स में आएगा, लेकिन उनका साइज क्या होगा, स्मॉल होगा, फाइन, तो हम यहाँ पे देंगे फॉन्ट, फॉन्ट वेरिएंट स्मॉल कैप्स, स्मॉल कैप्स, फाइन, देन आपका स्टाइल क्लोज, ओके, हेड क्लोज, एंड हियर वी आर स्टार्टिंग बॉडी टैग, बॉडी टैग के अंदर हम हेडिंग देते हैं H1, H1 हेडिंग देते हैं द फॉन्ट वेरिएंट प्रॉपर्टी, फाइंड द फॉन्ट वेरिएंट प्रॉपर्टी, ओके, अब हम क्या करेंगे, क्लासेस का यूज करेंगे, पी क्लास, कौन सी क्लास हम यूज करें, सबसे पहले नॉर्मल, नॉर्मल, ओके, इसमें दिस इज नॉर्मल फॉन्ट, फाइन, सेकेंड हम ले लेंगे पी क्लास स्मॉल, हमने क्लास का नेम रखा है स्मॉल, ओके, इसमें पैराग्राफ देते हैं दिस
this paragraph is in small caps. Okay, this paragraph is in small caps. Fine. Paragraph को हमने कर दिया close. Then body close and आपका HTML. ओके नाउ वी विल सेव दिस. सेव करेंगे इस फाइल का नेम देते हैं फॉन्ट 3.html. फाइन अब इसका रिजल्ट देखते हैं. ओके दिस इज आवर फाइल. इसको हम ओपन करते हैं ओपन विद गूगल क्रोम. फाइन इट इज लोडिंग. ओके अब देखो जो हमारा फर्स्ट जो पैराग्राफ है वो क्या है, नॉर्मल फॉन्ट है उसका. दिस इज आवर फर्स्ट पैराग्राफ, नॉर्मल फॉन्ट है. और जो सेकंड पैराग्राफ है उसको आप ध्यान से देखो, उसमें क्या है, कैपिटल लेटर में सारे वर्ड्स. ओके लेकिन क्या है, जो कैपिटल लेटर का फॉन्ट है वो स्मॉल है. राइट उसका जो साइज है वो स्मॉल है. कैपिटल लेटर में है ये सारे वर्ड्स, लेकिन इसका जो साइज है वो क्या है, स्मॉल है. ठीक है तो फॉन्ट वेरिएंट में क्या होता है, टू वेरिएंट्स होते हैं, नॉर्मल फॉन्ट एंड स्मॉल कैप्स फॉन्ट. ओके ओके नेक्स्ट वी हैव फॉन्ट साइज. दिस प्रॉपर्टी इज यूज टू सेट द साइज ऑफ फॉन्ट. इससे हम क्या करते हैं, फॉन्ट का साइज सेट करते हैं. ओके और फॉन्ट साइज कैन आप किस किस में स्पेसिफाई, कौन सी यूनिट में स्पेसिफाई करते हैं. लाइक आप उसको पिक्सल्स में दे सकते हो, आप उसको पॉइंट साइज में दे सकते हो, परसेंटेज में दे सकते हो. ओके डिफरेंट डिफरेंट आप उसको यूनिट्स में दे सकते हो. फाइन तो मैं इसको यहाँ पे आपको प्रैक्टिकली समझाती हूँ कि अगर आपको फॉन्ट साइज देना हो तो आप कैसे दोगे. फाइन यहाँ पे हमारा हो गया डॉक टाइप HTML, देन HTML, ओके एड स्टाइल. स्टाइल में हम क्या देंगे, जैसे हमें हेडिंग को का फॉन्ट साइज देना है. पैराग्राफ भी ले सकते हैं, हेडिंग भी ले सकते हैं, जिसको भी आपने देना है. ओके तो मैंने इसका दे दिया फॉन्ट साइज 40 pixels. फाइन नेक्स्ट हमने नेक्स्ट हेडिंग का दे दिया H2 हेडिंग. अगर आए तो H1 हेडिंग आए तो उसका फॉन्ट साइज क्या हो, 40 pixel हो. और H2 हेडिंग आए तो उसका फॉन्ट साइज क्या हो, फॉन्ट साइज हो उसका 30 pixel. फाइन और अगर पैराग्राफ आए उसका फॉन्ट साइज क्या हो, 14 pixel. ठीक है ये हमने स्पेसिफाई कर दिया कि अगर हम पैराग्राफ यूज करते हैं तो क्या हो, उसका साइज आ जाए 14 pixel. ओके अब यहाँ पे हमने क्या किया, स्टाइल को क्लोज कर दिया. देन हेड क्लोज कर दिया एंड देन बॉडी बॉडी क्लोज कर दिया. फाइन H1 दिस इज हेडिंग 1 H1 देन H2 दिस इज हेडिंग 2 H2 then P this is paragraph. ओके तो H1 में क्या हुआ, H1 की अप्लाई होगी. फाइन ओके एंड H2 में H2 की फॉर्मेटिंग अप्लाई होगी इन पैराग्राफ में, पैराग्राफ की अप्लाई होगी. यहाँ पे हमने बॉडी को क्लोज कर दिया और देन हमने HTML को क्लोज कर दिया. ओके इसको हम दे देते हैं फॉन्ट कोड, ले लेते हैं फॉन्ट 4.html.
फाइन। अब देखते हैं इसका रिजल्ट। फॉन्ट ओके, दिस इज आवर फाइल फॉन्ट 4.html, इसको हम ओपन करते हैं। फाइन, अब देखो फर्स्ट जो हेडिंग थी उसको हमने क्या साइज दिया था, 40 पिक्सल्स का, हेडिंग वन को, ठीक है। हेडिंग टू को हमने दिया था 30 पिक्सल्स का, एंड पैराग्राफ को हमने क्या दिया था, 14 पिक्सल्स का। ओके तो यहाँ पे हमने क्या किया, डिफरेंट डिफरेंट एचटीएमएल एलिमेंट को डिफरेंट डिफरेंट साइज दिया है, फॉन्ट साइज। फाइन, नेक्स्ट वी हैव फॉन्ट शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी। शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी मीन्स अगर हमें फॉन्ट की सारी प्रॉपर्टीज एक साथ अप्लाई करनी हो तो आप उसको कैसे अप्लाई करोगे। ओके सो हियर वी विल डू, ओके नाउ लेट अस स्टार्ट। डॉक्यूमेंट टाइप HTML, then here we have HTML, okay, head we have style, head में आपने style tag दिया, internal CSS बनाई है, हमने class create किया है, paragraph specific, A class का name लिख दिया, A कुछ भी आप ले सकते हो class name। अब इसमें मैंने font की जो properties हैं वो सारी मैंने font tag फॉन्ट कोई यूज करके लिया, ठीक है। तो यहाँ पे एक साथ हम सारी प्रॉपर्टीज अप्लाई करेंगे, लाइक मैंने इसका साइज दे दिया 20 पिक्सल, फॉन्ट फैमिली मतलब, और यू कैन से फॉन्ट नेम मैंने दे दिया एरियल, ओके, और ये कौन सी फैमिली का है, सेंस सेरिफ। फाइन, तो यहाँ पे देखो आपने क्या फॉन्ट प्रॉपर्टी अप्लाई की है, फॉन्ट के अंदर आपने साइज भी दे दिया और फॉन्ट स्टाइल भी दे दिया। फाइन, नेक्स्ट नेक्स्ट मैंने क्लास क्रिएट की बी, राइट, इसके अंदर फॉन्ट के अंदर मैंने दे दिया एक साथ इसको वेरिएंट दे दिया इटैलिक, इटैलिक बोल्ड, ओके, और इसका साइज आप दे दो 30 पिक्सल, ओके, एंड इसमें मैंने फॉन्ट स्टाइल भी दे दिया जॉर्जिया, कौन सी फैमिली का, ये जेनेरिक फैमिली का, ओके, देन स्टाइल क्लोज, हेड क्लोज, बॉडी बॉडी टैग के अंदर हम क्या करते हैं, हेडिंग दे देते हैं वन, बी फॉन्ट प्रॉपर्टी एच वन। फाइन, अब हम क्या करेंगे, क्लास को यूज करेंगे, पी क्लास, ए ए क्लास को यूज किया, ए क्लास में जो भी है वो यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। फाइन, तो यहाँ पे हमने क्या दिया है, दिस इज अ पैराग्राफ द फॉन्ट साइज सेट टू, कितना दिया हमने 20 पिक्सल, ओके, एंड द फॉन्ट फैमिली इज एरियल, ओके। देन नेक्स्ट क्लास पी क्लास बी, ओके, इसमें हम करेंगे दिस इज अ पैराग्राफ, दिस इज अ पैराग्राफ, ओके, द फॉन्ट इज सेट टू इटैलिक एंड बोल्ड, द ठीक है इटैलिक और बोल्ड में हुआ है, ओके, द फॉन्ट
साइज इज सेट टू 30 pixel, ओके 30 pixel, फाइन 30 pixel का हमने साइज दिया इसको, ठीक है, ओके एंड फॉन्ट फैमिली इज जॉर्जिया, ठीक है जॉर्जिया, ओके हमने ले लिया पैराग्राफ, देन आपका क्या आएगा बॉडी क्लोज एंड HTML क्लोज, फाइन इसको सेव कर लेते हैं, इसको हमने ले लिया फॉन्ट 5.html, फाइन तो यहाँ पे इसको देख, ओके लेट अस ओपन इट, ओपन करते हैं, ठीक है इट इज टेकिंग सम टाइम। अब देखो यहाँ पे जो आपने फर्स्ट दिया था ये आपकी हेडिंग थी द फॉन्ट प्रॉपर्टी, सेकंड में आपने क्या दिया हुआ था आपका जो आया था वो था पैराग्राफ था 20 पिक्सल साइज था और उसकी फॉन्ट फैमिली थी एरियल, ठीक है 20 पिक्सल इसका साइज है एंड फॉन्ट फैमिली क्या है एरियल, सेकंड आपका क्या था आपने इसका साइज है 30 पिक्सल, ओके बोल्ड एंड इटैलिक, बोल्ड है और इटैलिक है और फैमिली कौन सी है जॉर्जिया, ओके तो यहाँ पे आपने अप्लाई किया है क्या किया है शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी, फॉन्ट प्रॉपर्टी को यूज करके एक साथ आपने डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टी वैल्यूज को यूज किया है, फाइन सो हियर वी हैव डन ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ फॉन्ट टैग, ठीक है हमने सारी प्रॉपर्टीज सारी फॉन्ट प्रॉपर्टीज यूज कर लिए, फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट साइज, फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट वेरिएंट, फॉन्ट वेट, ओके एंड फॉन्ट शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी, फाइन।